हेलो फ्रेंड्स, ड्यून मूवी की कहानी शुरू होती है एरेकिस से। ये एक प्लेनेट है जहाँ पर फ्रेमन नाम की प्रजाति रहती है। इस प्लेनेट पर स्पाइस नाम की एक चीज पाई जाती है जो कि काफी ज्यादा कीमती है। ये चीज रेत की तरह दिखाई देता है जिससे आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और भविष्य में देखने की क्षमता भी आपको प्राप्त होती है। फैंटेसी की ये कहानी फ्यूचर की है जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि लोग लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। ये सारी बात जो हमें बता रही होती है उसका नाम चेनी है, जो हमें बताती है कि एरेकिस में जब सूरज डूबता है तब वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये प्लेनेट एक रेगिस्तानी प्लेनेट है और यहाँ हाउस हार्कोनेन का राज चलता है। वो यहाँ के मूल प्रजाति फ्रेमन को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उनका यूज करते हैं अपने कामों को करवाने में। फ्रेमन भले ही यहाँ के नेटिव पॉपुलेशन है पर उनकी तादाद दिन पर दिन घटती जा रही है। आगे हमें चेनी बताती है कि एरेकिस पर अब हाउस हार्कोनेन का रूल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो एम्परर है जिनको सैडम फोर्थ कहा जाता है, उन्होंने आदेश दिया है कि हाउस हार्कोनेन एरेकिस को छोड़ के चले जाए और यहाँ अब हाउस एट्रिडिस आके रहेंगे। यहाँ चेनी को लग रहा होता है कि हाउस एट्रिडिस भी हाउस हार्कोनेन की तरह ही उनका शोषण करने वाले है। अगले सीन में हमें कैलेरन नाम के प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा हरियाली है और यहाँ पर फिलहाल हाउस एट्रिडिस का राज है, जिनके ड्यूक का नाम लीटो है और लीटो के बेटे का नाम पॉल है और पॉल के मॉम का नाम जेसिका है। कहानी आगे बढ़ती है और पॉल अपने मेंटोर डंकन इडाहो के पास जाता है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे भी अपने साथ एरेकिस ले जाए, पर डंकन उसे मना करता है और कहता है तुम्हारे पिता को ये अच्छा नहीं लगेगा, इसके साथ ही एरेकिस काफी खतरनाक है इसलिए तुम्हें साथ में ले जाना सही नहीं होगा। पॉल फिर डंकन को अपने विजन के बारे में बताता है जिसमें उसने एरेकिस और फ्रीमन दोनों को देखा था। उसने ये भी देखा था डंकन मौत के काफी करीब है। इसके बाद पॉल अपने फादर के पास जाता है और कहता है वो भी एरेकिस जाना चाहता है, लेकिन लीटो उसे मना करता है और कहता है तुम वहाँ अभी नहीं जाओगे, तुम वहाँ हमारे साथ चलोगे क्योंकि तुम हाउस एट्रिडिस का फ्यूचर हो। आगे वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम फ्यूचर में मेरे साथ काउंसिल में बैठो और पॉलिटिक्स में मेरा हाथ बटाओ। आगे लीटो पॉल से पूछता है कि एरेकिस को रूल करने के लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी। लीटो का यहाँ कहना था कि अगर फ्रीमन के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहेंगे तो एरेकिस पर पीस बरकरार रहेगी और ये सभी के लिए बेहतर होगा। इसके बाद पॉल के ट्रेनिंग का टाइम हो जाता है पर डंकन अभी यहाँ पर नहीं होता है तो गर्नी उसे ट्रेनिंग देने आता है और ये भी पॉल का एक मेंटोर है। आगे हम देखते हैं कि एक रात पॉल सो रहा होता है तब उसकी माँ जेसिका उसे आके जगाती है और उसे बताती है कि रेवरेंट की मदर मोहिमा आई है जो तुम्हारे सपनों के बारे में जानना चाहती है। जेसिका यहाँ पॉल को कहती है कि मोहिमा की काफी ज्यादा इज्जत की जाती है और बेनी जेसरेट के बीच उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ही हाई है। बेनी जेसरेट महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो एक तरह की जासूस होती है और वो हर राजा के पास होती है। उनका एक और काम होता है जो कि राजा के लिए बच्चे पैदा करना और उनके वंश को आगे बढ़ाना होता है। इनके अंदर इनहेंस पावर होती है जिसके मदद से वो लोग किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं और उनसे बात करके सच या झूठ का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पढ़ाई भी की होती है और वो टेक्नोलॉजी में भी काफी अच्छे होते हैं। बेसिकली पूरा साम्राज्य कैसे चल रहा है इन्हें पूरी जानकारी होती है और ये आपस में एक दूसरे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं। वही पॉल को उसकी मम जेसिका ट्रेन कर रही होती है बेनी जेसरेट बनने के लिए। वैसे तो बेनी जेसरेट सिर्फ महिला ही होती है लेकिन एक प्रोफेशन है जिसके तहत कहा जाता है कि कोई लड़का भी बेनी जेसरेट हो सकता है, मगर कोई लड़का अगर बेनी जेसरेट होगा तो वो द चूजन वन होगा जो दुनिया को एक नए मकाम पर ले जाएगा। आगे कहानी में हम एक डॉक्टर वेलिंगटन योन को देखते हैं जो पॉल को बेनी जेसरेट के लिए आगाह करता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि हर कोई बेनी जेसरेट को इज्जत की नजर से नहीं देखते हैं। वही जेसिका भी बेनी जेसरेट ग्रुप की मेंबर होती है जिसने पॉल को जन्म तो दिया होता है पर लीटो ने उसे शादी नहीं की होती है। लीटो जेसिका को प्यार तो करते हैं पर पॉलिटिक्स रीजन की वजह से उन्होंने शादी नहीं की थी और वो खुद को सिंगल राजा के तौर पर पूरे यूनिवर्स में अपने आप को पेश करते हैं। इसके बाद पॉल मिलने पहुंचता है मोहिमा से जो उसके सामने एक टेस्ट रखती है। वो कहती है तुम्हें गुमजाबर का सामना करना होगा। गुमजाबर एक नीडल है जिसमें पॉइजन लगा हुआ है। मोहिमा नीडल को पॉल के गर्दन के पास रखती है और कहती है अगर तुम अपनी जगह से हिले तो मारे जाओगे। उसके बाद वो उसे एक हाथ को डिब्बे में रखने के लिए कहती है और डिब्बे के अंदर हाथ रखते ही पॉल को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी मोहिमा उसे हिलने से मना करती है नहीं तो वो इस सुई को पॉल के गर्दन में चुभा देगी। इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि पॉल कितना दर्द सह सकता है और उसका खुद पर कितना कंट्रोल है। पॉल टेस्ट पास हो जाता है और मोहिमा उसे मुबारकबाद देती है। मोहिमा के जाने के बाद जेसिका पॉल को बताती है कि तुम द वन हो सकते हो। वो डायरेक्टली पॉल को ये बात नहीं कहती है पर उनकी बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद समय बीतता है और हाउस एट्रिडिस अपने पूरे सैनिक के साथ एरेकिस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनके कुछ सोल्जर्स पहले ही आगे होते हैं जो कि राजा का स्वागत करते हैं। यहीं पर बहुत सारी फ्रेमन जनता भी होती है जो लिसन अलगैब कह के चिल्ला रही होती है। पॉल अपने मॉम से इसका मतलब पूछता है तो जेसिका बताती है कि इस बात का मतलब होता है प्रॉफिट या फिर मसाया। इससे जेसिका समझ जाती है कि बेनी जेसरेट का जो काम है वो सही से हो रहा है और उन्होंने फ्रेमन जनता के बीच एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया है कि लिसन अलगैब आने वाला है। इसके लिए पॉल को इस तरह से पेश किया जाता है जैसे कि वो एक हीरो है और वो फ्रेमेंस को सही रास्ते पर लेके जाएगा। पॉल यहाँ पर कहता है कि बेनी जेसरेट को इस तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए, जिस पर जेसिका कहती है कि उनके आने के लिए बेनी जेसरेट बस एक बेस तैयार कर रही थी ताकि जब वो यहाँ पर आए तो उन्हें फ्रेमन का साथ मिले।
हाउस एट्रेडिस एरेकन में सेटल होते जो कि इस प्लैनेट का कैपिटल है और इस जगह को हेरेकिन ने बनाया था। तो फिर हवाद जो कि लीटो का मेन एडवाइजर है वो लीटो को बताता है कि इस एरेकन के पास एक बहुत बड़ी वॉल है जो रेगिस्तानी तूफान से इस जगह को बचाती है। इसके बाद हम मोहिमा को देखते हैं जो कि एक प्लैनेट पर आई है जिसका नाम जीडी प्राइम है जो हाउस हेरेकन का होम वर्ल्ड है। यहाँ हम हाउस हेरेकन के राजा बैरन को देखते हैं जिससे मोहिमा मिलने आती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एरेकिस पर लीटो और उसके लोग तो पहुंच गए लेकिन उन्हें वहां से हटाने की साजिश की जा रही है क्योंकि एम्परर जो है वो चाहते हैं कि हाउस एट्रेडिस का विनाश हो जाए क्योंकि लीटो को बहुत लोग पसंद करने लगे थे जो बात एम्परर को खटक रही थी। वहीं बैरन की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे भी लीटो से नफरत है। मोहिमा उसे कहती है तुम्हें लीटो के साथ जो करना है वो करो लेकिन जेसिका मेरे प्रोटेक्शन के अंदर आती है क्योंकि वो बेनी जेसरेट है और इस तरह से उसका जो बेटा है पॉल वो भी हमारे ही प्रोटेक्शन के अंदर आता है इसीलिए आप उन दोनों को कुछ नहीं करेंगे। बैरन कहता है ठीक है मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद समय बीतता है और लीटो और उनके लोगों को यहाँ आए काफी समय हो जाते हैं। तब उनको एहसास होता है कि हेरेकन जो इक्विपमेंट छोड़ के गए हैं वो किसी काम के नहीं है और उनमें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। इससे लीटो को लगने लगता है कि उन्हें यहाँ फेल होने के लिए भेजा गया है और अगर वो इस प्लैनेट को सही से नहीं संभाल पाए तो उन्हें एम्परर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग लीटो को एक टूर पर जाने के लिए इनवाइट करते हैं और लीटो अपने साथ पॉल को भी ले जाता है। ये लोग स्पाइस हार्वेस्टिंग के पास जाते हैं। ये जगह बेसिकली स्पाइस को पैदा करती है और यहीं से इसे सप्लाई किया जाता है। इन लोगों के साथ डॉक्टर लीट काइनेस भी होती है जो कि स्पाइस हार्वेस्टिंग की स्पेशलिस्ट है। यहाँ इनके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि थी कि सैंडवर्म यहाँ पर आने वाला था। सैंडवर्म एक तरह का रेगिस्तानी कीड़ा है जो कि बहुत बड़े होते हैं और वो स्पाइस की ओर खींचे चले आते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए अब भी वहाँ 21 लोग होते हैं जिनकी जान खतरे में होती है। तो लीटो अपने हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाले ओर्नी थॉम्स्टर पर बैठ के उन 21 लोगों को बचाता है। इस दौरान पॉल नीचे गिर जाता है और उसका सामना होता है सैंडवॉर्म से। डॉक्टर काइनेस लीटो को देखती है तो वो समझ जाती है कि लीटो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है और उसके लिए जनता भी मायने रखती है। इससे वो समझ जाती है कि लीटो का साथ देना फ्रेमेन के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आगे हम देखते हैं कि पॉल के जान पर हमला होता है लेकिन इसमें उसे कुछ नहीं होता है। इसके कुछ देर के बाद हमें पता चलता है कि लीटो के लोगों में एक गद्दार है और वो डॉक्टर वेलिंगटन यूई है। ये इनके फैमिली डॉक्टर है पर इसके पास कुछ मजबूरी है इसलिए इसने लीटो के साथ गद्दारी करने का फैसला किया। ये आर्कन शील्ड को डिसेबल कर देता है जिस वजह से इन पर अटैक होने लगते हैं। हारकुनन और शाडुकर सैनिक इन पर अटैक करते थे। यहाँ पर हारकुनन को तो हम जानते हैं जो कि एक हाउस है लेकिन जो शाडुकर है वो भी एक ट्रूप है जो कि एम्परर के लोग हैं और ये काफी ट्रेंड और खतरनाक होते हैं। इस अटैक में लीटो के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और खुद लीटो भी घायल हो जाता है जिसे घायल करने का काम डॉक्टर यूई अंजाम देता है। वो बताता है कि बैरन ने उसकी बीवी को अपने कब्जे में ले लिया है इसलिए उसे अपने लोगों के साथ गद्दारी करनी पड़ी। वो लीटो को बताता है कि मैंने तुम्हारे दांत में एक जगह पर पॉइजन दबाया हुआ है जिसे अगर तुम अपने दांत से जोर से दबाओगे तो वो रिलीज हो जाएगा और तुम्हारे छोड़े हुए सांस से सामने मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। इसीलिए कुछ समय बाद जब तुम बैरन के कब्जों में होगे और वो तुम्हारे सामने होगा तब तुम इसे दबा के रिलीज कर देना। इससे एक बात साबित हो जाती है कि भले यूएन ने उनसे गद्दारी की है पर वो भी बैरन को मारना चाहता है। इस सब के दौरान जेसिका और पॉल को हेरेकन सोल्जर पकड़ लेते हैं और एक शिप में बिठा के डेजर्ट में कहीं ले जाने लगते हैं। तब अपने मॉम को बचाने के लिए पॉल अपनी आवाज का यूज करता है। आपने पहले ही कई बार देखा होगा जब जेसिका पॉल को अपने आवाज को ट्रेन करने के लिए कहती है। ये बेनी जेसरिट की एक पावर है जिसके इस्तेमाल से आप अपने आवाज से सामने वाले को अपने कंट्रोल में कर लोगे। इसे करने में पॉल कामयाब हो जाता है और अपने मॉम को बचा लेता है। ये इनसे बच जाते और इन्हें एक सर्वाइवल किट मिलता है बीच डेजर्ट में जिसे इनके लिए यूइन ने छोड़ा था। यहाँ ये दोनों डेजर्ट में रात बिताते और इन्हें पता चलता है कि लीटो की मौत हो गई है क्योंकि इस किट के साथ हाउस एट्रेडिस की एक निशानी भी होती है और उसे यकीन हो जाता है कि लीटो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसके बाद वो अपने बेटे पॉल को बतौर ड्यूक स्वीकार करती है। वही यूइन ने अपनी बात को पूरा कर दिया था और वो सोचता है कि बैरन भी अब उसकी पत्नी को आजाद कर देगा पर बैरन उसे मार देता है और कहता है मैं तुम्हें मार के तुम्हारे बीवी के पास भेज रहा हूँ। फिर बैरन लीटो के पास आता है जो लीटो को बताता है कि जेसिका और पॉल मारे गए। तभी लीटो अपने दांत को दबाता है और जहर को रिलीज करता है। इस पॉइजन से यहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाते पर बैरन किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है और अपनी शील्ड को ऑन कर देता है। बाद में हम उसे बहुत सारे हीलर के साथ देखते हैं और वो एक डार्क कलर के ऑयल के अंदर मौजूद होता है और खुद को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पास रेबन आता है जो कि उसका भतीजा है। वो बैरन को बताता है कि पॉल और जेसिका जरूर किसी रेतीले तूफान में मारे गए होंगे क्योंकि उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। इसके बाद हमें पॉल और जेसिका को दिखाया जाता है जिसे रेगिस्तान में डंकन ढूंढ लेता है। वो उन्हें फिर सही सलामत लेके आता है एक पुराने रिसर्च सेंटर पर जहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर काइनी से। फिर काइनी उन्हें बताती है कि इस रिसर्च सेंटर का मकसद क्या है
और वो बताती है इसे इसलिए बनाया गया था ताकि किसी तरह से एरेकी पर हरियाली लाई जाए और यहाँ की जमीन को उपजाऊ बनाई जाए। लेकिन जब इस प्लेनेट पर स्पाइस का पता लगा तो इस तरह के सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए गए और इस जगह को सिर्फ स्पाइस हार्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाने लगा। ये सभी बात कर ही रहे होते कि तभी साडुकर के सैनिक हमला कर देते हैं। इसमें इनके कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और डंकन भी इसमें पॉल और जेसिका को बचाने के चक्कर में मारा जाता है। इस रिसर्च सेंटर से निकलते वक्त काइनी पॉल और जेसिका को कहती है फ्रेमेन से मिलने के लिए और खुद किसी दूसरे काम के लिए चली जाती है। लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद काइनी को साडुको के सैनिक पकड़ लेते और उसे मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो जमीन पर बार बार मुक्का मारती है जिससे रेगिस्तानी कीड़ा अट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ आकर सभी को निगल लेता है। दूसरी तरफ बैरन अपने भतीजे रबान को एरेकिस का कंट्रोल दे देता है जो काफी क्रूअल और सनकी है। रबन कहता है वो वहाँ मौजूद स्पाइस रिजर्व को बेचना चाहता है पर बैरन उसे इतनी जल्दी बेचने से मना करता है और सही कीमत में बेचने के लिए कहता है। उधर पॉल और जेसिका अपने जान बचाने के लिए ओरियन थॉपस्टर से भागते हैं और एक डेजर्ट में जाके क्रैश करते हैं। ये फ्रेमेन की तलाश में आगे बढ़ते हैं तभी इनके पीछे सैंडवर्म पड़ जाता है जिससे बचने के लिए भागते हैं। तभी पॉल जेसिका को इशारा करता है कि यहाँ पर उनके अलावा और भी बहुत लोग हैं और कुछ पल में ही उन्हें फ्रेमेन घेर लेते हैं। इन्हें स्टीलगर नाम का एक शख्स लीड करता है। जेसिका उनसे यहाँ से निकलने का तरीका पूछती है पर वो ऐसा नहीं करते और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं पर जेसिका अपने मैजिक और फाइटिंग स्किल की मदद से उन्हें हरा देती है। यहीं पॉल को चेनी भी दिखती है जो उसे हमेशा सपनों में आती थी। स्टीलगर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होता है पर उनका एक आदमी इसके लिए तैयार नहीं होता है और वो पॉल को लड़ाई के लिए चुनता है जिसके बाद इनके बीच लड़ाई होती है और पॉल ये लड़ाई जीत जाता है। लड़ाई के बाद पॉल और जेसिका फ्रेमेन के साथ ही जाते और फ्रेमेन उन्हें अपने साथ लेके आगे बढ़ते और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी ड्यून पार्ट 1 की स्टोरी। अगर आप इसके दूसरे पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।